Now we continue our chapter number 5, number from 10 to 20. हमने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले एक वीडियो में कुछ एक्सरसाइज देखी थी. अब यहाँ पे मैं आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइज बताने वाली हूँ. ये एक्सरसाइज जब आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको नहीं दिखेगी, बट ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने और भी एक्सरसाइज यहाँ पे लिए. तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, काउंट एंड मूव सर्कल अराउंड द नंबर. यहाँ पे क्या करना है, पहले जो पिक्चर ड्रॉ की हुई है उन्हें हमें काउंट करना है, और जो हमारा एंकर आएगा उसके अराउंड में हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना है. तो देखिए हम कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ए नंबर है यहाँ पे, अब हम पहले इन सर्कल्स को काउंट कर लेते हैं. चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. यहाँ पे कितने सर्कल्स हो गए, 19 सर्कल्स. तो देखिए यहाँ पे हमें 3 आंसर दिए हुए हैं, तो हमारा जो आंसर राइट होगा उसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे. तो हमारा आंसर है 19. हम 19 में क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे. अब हमारा है बी नंबर. बी नंबर में जो सर्कल दिए हैं उन्हें भी हम काउंट करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा उसके ऊपर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यहाँ पे 20 सर्कल है. तो देखिए इसमें से हमारा आंसर क्या है, 2, 0, 20. हम इसमें सर्कल कर देंगे. अब हमारा है सी नंबर. सी नंबर में भी हम ऐसे करेंगे, सभी सर्कल्स को काउंट करेंगे, और जो हमारा आंसर होगा उसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे. ओके, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो यहाँ पे आओ इन सर्कल 18 सर्कल. हमारा आंसर है 18. अब हम 18 पे सर्कल कर देंगे. ओके, अब देखिए इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे हमारे और भी क्वेश्चन थे, हम इसे भी सॉल्व करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन एसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको एसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी. व्हाट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. असेंडिंग और डिसेंडिंग पहले हम यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए असेंडिंग, असेंडिंग में क्या होता है, आपने लेटर देखा है, जब आप नीचे की स्टेट से ऊपर की स्टेट जाते हो, क्या करते हो, डाउन टू अप, नीचे से ऊपर जाते हो, तो वो हो जाता है आपका असेंडिंग ऑर्डर. जैसे नंबर्स में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप ऐसे जा रहे हो, यानी आप नंबर ऊपर की साइड जा रहे हो, तो वो आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर. आप वो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहे हो. बट आप क्या करोगे, बिगेस्ट नंबर, यानी इसका मीनिंग हुआ स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर. आप असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ जा रहे हो, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर पे जा रहे हो. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हम असेंडिंग नंबर समझ रहे थे. अगर आपने नंबर करा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये आपका जा रहा है अप जा रहा है, यानी आप नंबर में कहाँ जा रहे हो, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर में जा रहे हो. तो ये आपका होगा असेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, आप बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर में जाते हो, उसका उल्टा हो जाता है. सब कुछ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आप क्या कर रहे हो, बिग नंबर से स्मॉल नंबर पे आ रहे हो.
हो रहा है डीके टू स्मॉल ए, तो ये आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए मैंने यहाँ पिक्चर भी ड्रॉ किया है, आप यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो और असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो बिगेस्ट नंबर पे या स्मॉलेस्ट नंबर पे। ओके, तो ये था आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको जो नंबर दिया है उसके आगे आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो ओके, हमें पता है 11, 12, 11, 12, तो असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ जाते हैं हम, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर पे। 11, 12, 12 के बाद बिग नंबर कौन सा हो जाएगा, 13, 13 से भी 14, 14 से 15, 16, then 17। तो हमने क्या कर रहे यहाँ पे 11 स्मॉलेस्ट नंबर है, वहां से असेंडिंग ऑर्डर हमने क्या कर दिया, हमने बिगेस्ट नंबर पे चले। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर। ओके, इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर का सेकेंड क्वेश्चन है डी नंबर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हमारा स्टार्ट हो रहा है 15, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से हमें बिगेस्ट नंबर पे जाना होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो हम इसे नोट करते हैं। चलिए 16, 17, 18, 19 एंड 20, तो ये आपका कंप्लीट होता है असेंडिंग ऑर्डर। आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर। अब हमारा क्वेश्चन है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हमने पहले ही बता दिया हमें ऊपर से नीचे यानी बिगेस्ट नंबर पे स्मॉलेस्ट नंबर पे जाना है।